enough, but sold my soul a good price out of sight. My hoe got talent, right? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं इतने दिन कहाँ था। मैं आपको एक प्रॉब्लम बताने वाला हूँ जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, और दूसरा भी रीज़न है, बहुत सारे रीज़न है, एक एक करके बताता हूँ। तो मैं पहले रहता था कांजूर मार्ग में, तो वहाँ पर रूम कैसा था, मतलब 1 आर के था, और आप लोगों को पता नहीं रहेगा पर 1 आर के बहुत छोटा होता है। एक होता है रूम और एक होता है बस किचन, तो उसमें मुझे अलग स्पेस नहीं मिलती थी कि जहाँ पर मैं वीडियोस बनाऊँ, ऐसा होता था। और मेरे पहले की जो गेमिंग के वीडियोस थे, आप लोगों को पता नहीं होगी, मुझे पता है क्योंकि तभी मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर्स थे। तो वो जो गेमिंग और रोस्टिंग वाले वीडियोस थे वो मैं बनाता था अपने बाथरूम में, बाथरूम मतलब टॉयलेट नहीं, जहाँ पर खाते वो वाला। तो वहाँ पर मैं वॉइस ओवर देता था, एडिटिंग तो बैठ के किधर भी कर सकता था, तो एडिटिंग करता था और बस वॉइस ओवर के लिए वहाँ पर जाता था। और मेरा एक सेटअप था, मतलब ईयरफोन मैं लगाता था फ़ोन के लिए, और उस पर जाने दो, सब बाद में बताऊँगा कभी। तो दूसरी चीज़ आते हैं, मैं इतने दिन से अपलोड क्यों नहीं कर रहा था, तो मैं 2 या 3 महीने हुआ शायद, मुझे 2 महीना हुआ मैं बदलापुर शिफ्ट हुआ हूँ। और वहाँ पर बड़ा नहीं बोल सकते पर अच्छा रूम है, जो कि है 2 BHK। और दूसरी बात, 3-4 लगातार ब्लॉग मेरे को ड्रॉप करने पड़ेंगे, तब तक मुझे कुछ तो अच्छा बना लेना चाहिए, क्योंकि हमारे 600 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। मैंने 500 का ये किया था टारगेट पिछले साल के लिए, पर 600 हो गए अभी, 643 के 44 कुछ तो ऐसे। अभी ये वीडियो के बाद आप लोगों का प्यार बढ़ जाएगा तो शायद 700 भी हो जाए, और ऐसे धीरे धीरे हमारे हो जाएंगे 1K सब्सक्राइबर्स। तो उसके लिए थैंक यू, बहुत ही शुक्रिया, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, कमेंट लाइक जो भी है। हेटर्स लोग भी अच्छे हैं अपने, क्योंकि उन लोग भी अच्छा अच्छा कमेंट करते, बहुत अच्छा लगता है मन को, इतना सुकून मिलता है ऐसा गालियाँ विलिया सुन के, बहुत अच्छा लगता है, वो सही में मोटिवेशन है। और सब लोग सोच रहे थे कि मतलब मैंने इतने दिन से कंटेंट नहीं डाला, तो ऐसा मत समझो कि वो मेरी आदत है, क्योंकि पहले भी मैं बहुत बार वीडियो बीच बीच में डालता था और बाद में बंद कर देता था, पर क्योंकि तभी मेरे को जगह का ही प्रॉब्लम हो रहा था। क्योंकि देखो, कोई भी यूट्यूबर हो या कुछ अलग आपको करना हो, पढ़ाई हो या फिर आपका कोई सिंगिंग टैलेंट हो या कुछ भी, तो आपको ऑकवर्ड लगता है अगर आपके घर वाले हो या फिर कोई भी हो साथ में, तो वही ऑकवर्डनेस मुझे भी होती थी। मैंने हालांकि 2-3 ऐसे मल्टी कैरेक्टर्स वाले वाइंस विंग्स बनाए, और उसमें से भी मैंने एक हाइड कर दिया है, एक रखा है वैसे भी बबलू की शॉपी, अगर आपने नहीं देखा तो देख लो। उसमें भी मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त ने उसके कैम से शूट किया था, पर वो फील नहीं आती, अगर आप फोन पकड़ के करते हो ना उसमें अच्छा लगता है। तो ऐसे ही वाइंस विंग्स कुछ भी अभी और बनाऊंगा आगे, पर बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैंने पिछले टाइम भी है ना वो 3D ब्लॉग आपने देखा नहीं होगा, मुझे पता है बहुत लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि लोगों को कुछ लोगों को ब्लॉग्स पसंद नहीं, और खासकर मेरे, क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ। और बीच में मैं पबजी बहुत खेलता था, उसका भी एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे, बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग हैं ना चिकन डिनर के पीछे पड़े सही में। फिर मन उड़ गया, अभी क्या खेलता नहीं, तो अभी सोचा मैंने कि अपना जो पैशन है उसे फॉलो करते, और मुझे वीडियोस बनाना बहुत पहले से पसंद था और पसंद है, पर सबको मना नहीं सकते कि देखो हेट तो सब चीज़ में मिलते हैं। मैं वो बोलना चाहता हूँ कि किसी को भी ना अंडर एस्टिमेट मत करो, और किसी को भी ना आप जज मत करो कि मतलब ये ऐसा कुछ कर रहा है ना तो ये आगे कुछ कर नहीं पाएगा, अगर इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। मैं 8th तक तो सभी स्मार्ट रहते हैं, क्योंकि तभी स्टडी भी इजी रहती, उसके बाद जो मतलब चेंज होता था ना पढ़ाई का एल्गोरिथम, सबका ड्रॉप होता है, जो स्मार्ट रहता है वो तो बाद में 12th के बाद उसे भी समझ में आता है कि कितनी केटी खानी पड़ती है और कितनी नहीं। पर मैं दोनों टाइम पास होता 10th और 12th में, उसका भी रिजल्ट कभी ना कभी तो बताऊंगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मतलब इतने टाइम जो मैंने गैप लिया रुका मैं, तो मेरे सेटबैक में मैंने ये सीखा कि मतलब है ना, अगर आप कुछ मेहनत करते हो तो ये आपको सक्सेस मिलेगी, अगर कुछ नहीं करते हो ना, बस बातें करने से मतलब नहीं बनता,
क्योंकि इतने दिन से मैं सोच रहा हूँ पर मैंने बनाया नहीं, और बनाने मतलब नहीं बनाने के बाद भी बावजूद भी मेरे को सब्सक्राइबर्स थोड़े बहुत मिल रहे थे, उन लोग में से काफ़ी सारे लोग जो अच्छा अच्छा कमेंट कर रहे थे ना, तो वो देख के मुझे लगा कि मतलब नहीं, अगर आप कुछ अच्छा करते हो ना तो ऐसा कौए बीच बीच में ना नहीं, अगर आप कुछ अच्छा करते हो ना तो लोग हेट करने वाले बहुत रहते हैं, पर उससे ज़्यादा ना अप्रिसिएशन आपको मिलता है, ये याद रखना। अगर कुछ भी आप बनाते हो, टिकटॉक बनाते हो या फिर आप वर्कआउट करते हो, कुछ भी देखो, वर्कआउट भी करोगे तो बोलेंगे लोग कि नहीं तेरा तो ये बॉडी बनेगी नहीं ऐसा वैसा, तो ध्यान मत दो उन लोग पे, क्योंकि उन लोग पे ध्यान दोगे ना तो आप उन लोग को ज़्यादा ये करोगे, अट्रैक्ट करोगे वैसे लोगों को, हेटर्स लोग को या फिर जो नेगेटिव बोलते हैं उन लोग को अट्रैक्ट करोगे। अगर उन लोग पे आप ध्यान नहीं दोगे ना दोगे ना तो फिर आप उन लोग को अट्रैक्ट नहीं करोगे, तो आपको बस मतलब अच्छी तरफ देखना है, जो अच्छी साइड है वहाँ पर ही देखना है, जो लोग आपका अच्छा साइड ही देखेंगे। और देखो बात की जाए तो मेरे प्रीवियस वीडियो में मेरे बाल भी छोटे रहते थे, क्योंकि मुझे पता नहीं मैंने ऐसे ही टकला कर दिया था, और टकला वीडियो तो आपने देखा नहीं रहेगा क्योंकि मैंने तकलेस में वीडियो नहीं बनाया। तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा रखो, क्योंकि मैंने देखो मेरे बाल छोटे थे मतलब ऑलमोस्ट बाल थे, फिर भी मैंने वीडियोज वो सब बनाए, क्योंकि मुझे मेरी फिक्र है, बाकी लोगों की फिक्र नहीं करता मैं, समझा। ड्रेसिंग भी इतनी अच्छी नहीं रहती है और क्या कर सकते, वैसे मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं ऐसा पहनता हूँ। तो आप वो सब सोचोगे ना कि अरे मेरी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है, मैं दिखता अच्छा नहीं हूँ तो मैं वीडियोस कैसे बनाऊँ, तो वैसा कुछ भी नहीं रहता, आप धीरे धीरे ही इम्प्रूव करते हैं। तो बात आती है कि आपको पसंद क्या है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, और ऐसा नहीं है कि जो आपको अच्छा लगता है वही करूँ, मैं ऐसा सबको बोल नहीं सकता, क्योंकि सब लोग के पेरेंट्स डिमांड करते कुछ अलग करने का, कुछ काम या फिर उनका बिजनेस संभालना, तो उसको मत छोड़ दो, उसको भी करो। और देखो पैशन के साथ है ना अपनी स्टडीज और अपना जो कुछ काम है वो भी साथ में करो, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे ना तो आपके पेरेंट्स आप पे भरोसा नहीं रखेंगे, समझ रहे हो। तो भरोसा एक मेन चीज़ है, क्योंकि बाकी होगा जाने दो, रिलेटिव फ्रेंड्स किसको भी इन्वॉल्व मत करो, पर आपके पास जो रहते हैं वो रहते हैं आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, तो उन्हें अपना जो पैशन या फिर जो भी आपको कुछ पसंद है करना वो सब उनको अच्छे से बता दो, ताकि उन्हें भी समझो, तो ये आपको वो सपोर्ट करेंगे। अगर आप बिना बताए कुछ भी कर रहे हो तो उन लोग को मालूम ही क्या कि ये फ़ोन लेके बैठ रहा है, बस उन लोग को लगेगा गेम खेल रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, उनको थोड़ी मालूम कि आप एडिटिंग कर रहे हो या फिर वीडियोज बना रहे हो। तो उन्हें पहला बॉटल में उतारना पड़ता है। और हाँ, मैंने हेयर कट कराया पर मुझे पता है उसने बहुत ही बेकार हेयर कट कराया मेरा, तो उसको कवर करने के लिए मैंने साइड से भी लाइन मार दी, वो जाने दो। और मेरे को सही में तो वाइंस वो सब बनाना अच्छा लगता है, पर मैंने व्लॉग्स भी थोड़े से ट्राई किए, पर मैं व्लॉगर नहीं हूँ ये याद में रखना, इसलिए मेरे व्लॉग्स थोड़े बोरिंग लगते। तो ये बताना चाहता हूँ कि मतलब लाइफ में मेहनत सब चीज में, अगर आप दिल से करते हो ना वो चीज को पसंद, मतलब आप कुछ पसंद करते हो तो उसे करने के लिए आप ज्यादा मेहनत करोगे, और जो चीज आपको पसंद नहीं उसके लिए मेहनत नहीं करोगे। और रही बात सब्सक्राइबर्स की, मेरे जितने स्लो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतने मेरे को अच्छा लगेगा, अगर ज्यादा बढ़ते गए मुझे अगर समझो फटाफट मेरे 15K हो गए 20K हो गए तो मुझे इतनी खुशी नहीं रहेगी, पर अगर स्लो बढ़ते हैं फिर अचानक से बढ़ जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो वैसा मतलब हर एक के लाइफ में होता है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है और सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, व्यूज नहीं आ रहे, ऐसा कुछ भी, तो बढ़ेंगे, थोड़ा टाइम तो दो उसे। अगर आपने एक वीडियो डाला और दूसरे टाइम सोच रहे हो कि अभी चले मेरे 100 सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं हो गए, 300 व्यूज गए, 400 व्यूज गए, फिर भी तो लोग देखो एक वीडियो पे जज नहीं करते, लोग देखते कि बंदा कितना कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, वैसे उन लोग फॉलो करते हैं। बस अभी ये वीडियो तो डाल दिया, अभी उसके बाद और अच्छे अच्छे वीडियोस डालूंगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो फिर एक ट्रिक करके बता दो, तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।